पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसकी शर्तें क्या हैं, इसको देखते हैं। हम अपवर्तन या रिफ्रेक्शन से जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हमें पता है वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। थोड़ा सा मैं चित्र का परिचय दे देता हूँ। ये सघन माध्यम देखिए, यहाँ ऊपर की ओर है, नीचे की ओर विरल माध्यम है, और ये यहाँ से जो आने वाली किरण है तो आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, तो ये हमारी आपतित किरण हो गई। और ये आपतित किरण कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में कर रही है, तो ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। तो ये अभिलंब से दूर हट गई और ये हमारी हो गई अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये जिस बिंदु पर आपतित किरण आई थी यहाँ से ये सीधा क्या हो गया, अभिलंब हो गया, तो ये अभिलंब है आपका। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, जानते हैं हम सब लोग, आई है ये, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, यहाँ हमने आर से दर्शाया है और ये अपवर्तन कोण है, ठीक है। ये मैंने कुछ प्रारंभिक परिचय आपको दे दिया है, आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है, इधर से आने वाली किरण आपतित किरण है और जो अपवर्तन के बाद मिलेगी उसे हम कहेंगे अपवर्तित किरण। प्रकाश की किरण कौन से माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो क्या होगा फिर, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। कोण हमेशा अभिलंब से नापिएगा, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण आई, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण आर, ठीक है। कोण कहाँ से नापेंगे, अभिलंब से ही नापेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो हमने कही, चित्र नंबर एक को समझा और उसकी लाइन लिखी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाती है। तो ये हमने समझ लिया कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाती है। अब दूसरी बात हम करेंगे, चलिए अब क्या करना है, करने हम जा रहे हैं कि यहाँ इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। अब मैं इस आपतन कोण के मान को बढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ा अभिलंब से दूर जा रहा हूँ, मतलब आपतित किरण को अभिलंब से दूर से लाऊंगा, ठीक है। तो क्या चेंज होने वाला है, मतलब मैं आपतन कोण के मान को बढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये अभिलंब है और मैं अभिलंब से थोड़ा दूर से आ रहा हूँ, देखिए पहले की तुलना में, ठीक है। तो क्या किया मैंने, ये मैं अभिलंब से, ये देखिए ये अभिलंब से पहले मैं इतना दूर था, अब मैं अभिलंब से थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया हूँ, मतलब मैंने क्या किया, आपतन कोण के मान को बढ़ाया, ठीक है। तो आपतन कोण के मान को जब मैं बढ़ाता हूँ तो देखिए इस अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ गया है, मतलब ये भी अभिलंब से क्या हो गई है। देखिए मैं यहाँ पे इसको, यहाँ जितना दूर से जा रहा हूँ ये उतना ही दूर अभिलंब से होती जा रही, तो मैं मतलब आपतन कोण के मान को बढ़ा रहा हूँ तो ये अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने ये कहा कि आपतन कोण के मान को, अब अगर जैसे प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई तो अभिलंब से दूर हटी, और जैसे हमने आपतन कोण के मान को बढ़ाया अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो गया, बढ़ता जाता है, लगातार ऐसा होगा। आप आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएंगे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा, और बढ़ाते हैं तो बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी, देखिए मैंने इसको और बढ़ाया तो बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये अपवर्तन कोण जो है आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये जो अपवर्तित किरण है ये यहाँ आ जाएगी, देखिए यहाँ आ गई, मतलब ये अपवर्तन कोण क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो बढ़ाते बढ़ाते आपतन कोण यहाँ तक आ गया, ये आपतन कोण इतना बड़ा हो गया और अपवर्तन कोण क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो आपतन कोण का ये वाला मान कहलाएगा क्रांतिक कोण। मतलब क्या होता है कि बढ़ाते बढ़ाते आपतन कोण का एक ऐसा मान प्राप्त होता है जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, और आपतन कोण के इस मान को हम कहेंगे क्रांतिक कोण। मतलब क्रांतिक कोण कौन सा कोण हुआ जिस पर अपवर्तन कोण क्या है, क्रांतिक कोण एक्चुअली किसका मान हुआ, ये आपतन कोण का मान है जिस पर अपवर्तन कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब आपने क्या किया कि आपने प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा, वो अभिलंब से दूर हटी, आपने आपतन कोण के मान को बढ़ाया, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ा, बढ़ाते बढ़ाते आपतन कोण का एक ऐसा मान प्राप्त हो गया जहाँ पे अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया। अब अगर आप और आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे, मतलब आप क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक करते हैं अगर, मान लीजिए, तो देखिए क्या होगा, ये देखिए आपतन कोण के मान को मैंने और बढ़ा दिया, देखिए और बढ़ाया, मतलब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक कर दिया, तो प्रकाश की किरण क्या हुआ, देखिए आप अब ये विरल माध्यम में नहीं गई बल्कि सघन माध्यम में ही लौट कर आ गई, ठीक है, मतलब यहाँ परावर्तन हो गया। तो ये क्या हुआ कि जब आप आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से भी अधिक कर देते हैं तो प्रकाश की किरण जो है पुनः कौन से माध्यम में लौट कर आ गई,
पुनः सघन माध्यम में ही लौट कर आ गई और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो इस घटना को कहेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसको, प्रकाश का पूर्ण। अब मैं इसकी शर्तें आपको बताऊंगा और आपको आप इसको नोट भी कर लीजिएगा बाद में। तो देखिए पहले इसको ये देखते हैं अपन कि इसको बनाएंगे कैसे। आप क्या करिएगा, चार बार प्लस के निशान लगा दीजिएगा, चार धन के निशान लगा दीजिएगा, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि आपतित किरण को पहले छोटे एंगल पर, फिर उससे बड़े एंगल पर, फिर उससे बड़े एंगल पर, और फिर आखिरी में सबसे बड़े एंगल पर लाइएगा, ठीक है। मतलब ये वाली जो दूरी है अभिलंब से आपतित किरण की, ये बढ़ाते जाइएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये आपतन कोण हो जाएंगे आपके, चार बार आपतन कोण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप क्या कीजिएगा, पहले अभिलंब से थोड़ा पास रहिएगा, फिर थोड़ा दूर जाइएगा, फिर 90 डिग्री पर चले जाइएगा और लास्ट में उसी तरफ ले आइएगा, लेकिन ये दोनों कोण फिर इस समय आप बराबर करके रखिएगा। तो इस तरीके से आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन का चित्र भी बना पाएंगे। और बहुत क्लियरली हमने इसको समझ लिया कि जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है, और आपतन कोण का एक विशेष मान प्राप्त होता है जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। आपतन कोण का यह मान क्रांतिक कोण कहलाता है, और आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से भी अधिक करने पर प्रकाश की किरण जो है वो उसी माध्यम में लौट आती है, मतलब अर्थात सघन माध्यम में ही लौट आती है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यहाँ पर हमने दो शर्तें भी इसकी समझ ली कि प्रकाश की किरण को हमेशा किधर से किधर जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ हुआ है तो आप देख लीजिए, यहाँ सेकंड शर्त ये हुई कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो ये दो शर्तें हैं कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरी शर्त आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। धन्यवाद।